भाजपा स्वच्छता प्रकोष्ठ और किसान प्रकोष्ठ के तत्वावधान में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में राष्ट्रपति महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। अस्पताल में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर भाजपा भिलाई के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र साहू मुख्य रूप से शामिल रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भाजपा स्वच्छता प्रकोष्ठ और किसान प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र साहू उपस्थित हुए। भिलाई जिला भाजपा के पदाधिकारियों, स्वच्छता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विनोद देवांगन, सुपेला मंडल भाजपा अध्यक्ष विजय जायसवाल, महामंत्री अखिलेश वर्मा, कैंप मंडल अध्यक्ष अनिल सोनी सहित अन्य कार्यकर्ताओं, किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू, स्वच्छता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विनोद देवांगन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कार्यक्रम लगातार 2014 से जहाँ तक मैं समझता हूँ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में हम स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम भी करते आए हैं और इस दिन जो सेवा के कार्य में लगे रहते हैं उनका भी सम्मान हमारी पार्टी की ओर से किया जाता है, जैसा कि आपने अभी देखा। और गांधी जी और शास्त्री जी दो बड़े हमारे देश के महापुरुष हैं, इनकी आज जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई उनको नमन करते हैं। प्रदेश नेतृत्व के अनुसार हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। उसी पखवाड़े पे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हम लोग का प्रदेश नेतृत्व ये कार्य हम लोग को दिया गया है। उसी के एवज में हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन और महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग इस प्रांगण को साफ सफाई किए एवं यहाँ के कर्मचारियों को हम लोगों ने कपड़े भेंट कर, फूलों से भेंट कर उनको स्वागत किए हैं। और इसी तरह हम लोग हर साल सेवा का जो हमारा उद्देश्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा को हम लोग सबसे ज़्यादा निहित कार्य में लाते हैं। बहरहाल इस अवसर पर भाजपा के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।